गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ अपनी अपडेटेड परफ्यूम कलेक्शन, जो कि अभी रिसेंटली मुझे परफ्यूम्स न्यू मिले हैं मेरी बर्थडे पे, क्रिसमस पे और नियर बाय जो भी मैंने परचेज किए हैं वो सब आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, और क्या कुछ न्यू एडिशन है वो भी आप लोगों को दिखाऊंगी। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो यहाँ पे सबसे पहले मैं इस परफ्यूम की बात करूंगी जो कि है नेस्ट सनकिस हिबिस्कस। बहन ने मुझे गिफ्ट किया है और अभी तक मैंने इसको ओपन नहीं किया था, तो मैंने सोचा कि मैं आप लोगों के साथ ही इसको अनबॉक्स करूंगी और इसको स्मेल करेंगे कि ये कैसा है। एंड हाँ, मैं लेना चाहती थी, अगर आप लोगों ने मेरी क्रिसमस वाली वीडियो देखी है या मेरी बर्थ नहीं, ये मुझे मेरी बर्थडे पे मिला एक्चुअली। तो अगर आप लोगों ने मेरी वो वीडियोस देखी हैं तो आप लोगों को आइडिया होगा कि मैंने पकड़ के साथ ही कहा था वो हाँ मुझे ये वाला परफ्यूम भी चाहिए था। तो हाँ, ये मेरी कलेक्शन में आ चुका। एंड गाइज, आज जो भी मैं परफ्यूम्स आपको दिखाने वाली हूँ उनके नोट्स मैं यहाँ पे मेंशन करती जाऊंगी और जो मुझे पता है वो मैं आपको बताती जाऊंगी। आप लोग चेक कर सकते हो गूगल पे भी, अगर आप लोगों को अकॉर्डिंगली कोई भी चाहिए तो आप वहां से अपने जो नोट्स हैं वो मैच कर सकते हो। तो यहाँ पे ये नेस्ट है, इसका एक यहाँ पे फुल साइज है और यहाँ पे एक इसका स्मॉलर ट्रेवल साइज है। एंड द स्मेल ऑफ दिस, और ना मैं आपको बताती चलती हूँ कि ये मुझे थोड़ी सी सिमिलर ना एम्बर, जो मेरा नार्सिसो है उसके जैसी लग रही है, तो इसमें जरूर एम्बर भी होगा। तो इसके नोट्स मैं यहाँ पे मेंशन कर दूंगी। इसके साथ एक स्मॉल बॉटल है, या इट्स अ स्प्रे बॉटल। तो यहाँ पे मेरे पास दो जो है वो नेस्ट के आ गए हैं। सो दिस वन इज न्यू इन माई कलेक्शन। आई डू हैव दिस जूलियट हैज अ गन, ये मैंने कुछ मंथ्स पहले लिया था पर मैंने इसको अपनी कलेक्शन अपनी वीडियोस में नहीं डाला। इंस्टाग्राम पे अगर आप लोग फॉलो करते हो तो आप लोगों को पता होगा कि ये मेरे पास है, बट मेरी यूट्यूब की वीडियो में आप लोगों ने नहीं देखा था। अभी रिसेंटली मेरी एक फ्रेंड ने बोला कि भाई अपनी जो यूट्यूब की वीडियो है वो अपडेट करो, अपने परफ्यूम सारे दिखाओ, क्योंकि उसने रिसेंटली मेरे लिए कुछ परचेज करना था तो उसको मेरी पुरानी वीडियोज़ देखनी पड़ी और वो थोड़ी कंफ्यूज थी कि वो मेरे लिए कौन सा परफ्यूम परचेज करे। सो आई डू हैव दिस, एंड साथ ही साथ इसके जो मिनिएचर हैं वो भी मुझे मिले हैं विच इज़ लिमिटेड एडिशन। और इसमें एक तो ये वाइट वाला आ गया है एंड अदर इज दिस देयर न्यू वन, जूलियट हैज अ गन नॉट अ परफ्यूम। ओके, तो ये रेड वाला जो इसका वेरियंट है ये वाला मैं ट्राई करूंगी। सो लेट्स ट्राई दिस के ये कैसा है। This one is too good. इसकी भी बहुत अच्छी फ्रेगनेंस है। ओके, सम अदर डे मैं अपने सारे मिनिएचर्स जो हैं परफ्यूम हैं उनकी भी एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगी, अभी मैं सिर्फ आपको जो मेन है वो दिखाने वाली हूँ। सो यहाँ पे एक लैंकॉम का मुझे गिफ्ट मिला है मेरी बर्थडे पे, विच इज लाविस्ता बेले, इफ आई एम प्रोनाउंसिंग रॉन्ग तो प्लीज आपको चेक कर लो। और यहाँ पे दिस वन, ये वाला मेरे पास लैंकॉम का तो ऑलरेडी आपको पता है कि ये वाला है आइडल, जो कि मेरा मोस्ट 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 फेवरेट है। और ये मैं जब भी लगाती हूँ तो मुझे बहुत ऐसे वेडिंग वाइब्स वाली फीलिंग आती है। अगर आप लोगों ने नहीं ट्राई किया तो ये, इसके अभी मैं रिव्यूज़ नहीं दे सकती हूँ क्योंकि अभी तक मेरा ये वाला फेवरेट है आइडल लैंकॉम का। और साथ ही साथ मैं आपको एक और बात बताती चलूँ कि मुझे एक और आइडल भी गिफ्ट मिल गया है, ये मेरी बहन ने मुझे क्रिसमस पे दिया था, विच इज़ द स्मॉलर वन, और उसके साथ ही साथ ये एक ट्रेवल साइज का भी है। तो मेरे पास आइडल जो है वो दो हो गए हैं। अदर इज दिस, इसके बारे में भी मैंने बहुत सुना था बट मैंने वो वाला परचेज कर लिया था। दिस वन इज ऑल्सो टू गुड टू गुड, इसकी बॉटल बहुत ही प्यारी स्लीक सी है, चेक दिस आउट हाउ गॉर्जियस इट इज। ओके, तो इसकी बॉटल भी मुझे बहुत प्यारी लगी है। तो नेक्स्ट इज डॉल्ची एंड गबाना का गार्डन मेरे पास है, ये मैंने क्रिसमस पे ही परचेज किया था, खुद को गिफ्ट किया था। तो इसको मैंने उस टाइम पे ओपन किया था बट अभी तक मैंने इसको यूज़ नहीं किया, ये एज इट इज ही पड़ा हुआ है। एंड इसकी बॉटल भी बहुत ही क्यूट है, ये बो बना हुआ है इसके ऊपर एंड इट्स अ फ्लोरल, ऑफकोर्स पिंक ही आपको दिखेगी, गार्डन आपको दिखेगा तो फ्लोरल क्यों ना होगा। मेरे जो मोस्टली परफ्यूम्स हैं वो फ्रूटी फ्लोरल नोट्स के होते हैं बट अभी मैंने थोड़े थोड़े और भी डिफरेंट ऐड करना शुरू किए हैं अपनी कलेक्शन में, जैसे एम्बर मस्की, तो वो भी मुझे अच्छे लगने लग गए हैं। अच्छा, आप लोग सोच रहे हो कि आज मैं स्प्रे क्यों नहीं कर रही हूँ सब, क्योंकि हमेशा मैं स्प्रे करती हूँ और मेरा जो नाक है ना वो बंद हो जाता है, मुझे फिर कोई परफ्यूम याद ही नहीं रहता कि कौन सा कैसा है। आज मैं कैप ओपन करके ही स्मेल कर रही हूँ और आप लोगों को बता रही हूँ और साथ साथ यहाँ पे नोट लिखती जा रही हूँ ताकि आप लोग देख सको। ओके, तो यहाँ पे मेरे पास एक माइकल कोर्स का है,
गॉर्जियस एंड दिस वन इज टू क्यूट. इसकी बॉटल बहुत ही अच्छी है. ऐसी बॉटल्स जो होती है ना वो मुझे ज़्यादा अच्छी लगती हैं. इसमें मुझे लगता है जैसे बहुत ज़्यादा फिलिंग है. कुछ स्टाइल वाली बॉटल्स होती हैं तो उनमें मुझे लगता है कि फिलिंग कम होगी, बट ऐसा नहीं होता, पर मेंशन होता है. एंड दिस वन इज सो फ्रेश, इट्स टू गुड. इसके नोट्स भी मैं यहाँ पे मेंशन कर रही हूँ, आप देख लें. और बट दिस वन इज रियली नाइस, गुड फॉर समर्स इवन विंटर्स. अच्छा, माइकल कोर्स की एक और फ्रेग्रेंस है मेरे पास, विच इज दिस वन, माइकल कोर्स कलेक्शन. इसमें हल्का सा, इस वाली में हल्का सा इसका टच आ रहा है, बिल्कुल लाइट सा, बट दिस वन इज वेरी फ्लोरल. अगर आप लोगों ने गुची का ब्लूम यूज किया हुआ है, जो येलो वाला पिंक वाला है, उसका सेम टू सेम ये स्मेल है. सेम गुची ब्लूम है ना, जो उसका ये ड्यूप है, कह लो ये माइकल कोर्स, और इसकी जो स्मेल है ना डिटो है, डिटो. या अगर आप ये वाला नहीं लेना चाहते हो तो यू कैन बाय दिस माइकल कोर्स, एकदम सेम स्मेल है. अच्छा, गुची फ्लोरा, फ्लोरा बार बार मेरे मुंह से इसलिए निकल रहा है क्योंकि ये वाला मैंने बहुत शौक से परचेज किया था. मुझे बहुत ज़्यादा शौक था कि मेरे पास गुची फ्लोरा हो, तो ये वाला मैंने ले लिया था बिकॉज ऑफ पिंक बॉटल. अब इनका एक और आ गया जो कि ग्रीन बॉटल है. तो चलिए नेक्स्ट परफ्यूम की तरफ चलते हैं, विच इज़ विक्टर एंड रॉल्फ का है. और इसमें ये दो हैं, मिनिएचर्स हैं, दोनों फ्रेगनेंस हैं. ये वाली जो है इनकी, ये न्यू अभी आई है, और ये वाला जो है ये इनका पहले का है. और ये भी बहुत ज़्यादा लोग यूज़ करते हैं, और मैं जब भी लेने जाती थी ये तो मैं कुछ और ले आती, बट थैंक्स टू रमशा जिसने मुझे ये गिफ्ट दिया है. और उसी ने मुझे बोला था कि अपनी अपडेट करो परफ्यूम कलेक्शन, क्योंकि उसने मेरे लिए परफ्यूम परचेज करना था, तो उसको देखना पड़ा कि मेरे पास कौन सा नहीं है. तो उसने वाकई में बहुत रिसर्च करके मुझे ये जो है फ्लावर बॉम दिया है, तो विक्टर एंड रॉल्फ का. ये वाला जो है, दिस वन इज़ टू गुड, दिस वन इज़ लाइक फ्लोरल और स्वीट साइड का है. ये भी एक मिनिएचर मेरी कलेक्शन में आ गया है. बहुत ही क्यूट सी उसकी बॉटल है, जो कि जाएगा यहाँ पे. एंड अदर इज गुड फॉर्च्यून, जो इनका न्यू कलेक्शन में आया है, पर्पल वाला. उप्स, खुल गया, वन मिनट, अंदर ही खुल गया मेरे से और सारा उसके अंदर ही निकल गया. ज़रा मैं इसको यूटिलाइज कर लूँ, अपनी स्वेटर के ऊपर लगा लूँ, नहीं तो बहुत बहुत दुख हो जाएगा मुझे. गाइज, इसकी स्मेल बहुत अच्छी है, डिफरेंट है, जो पिंक वाला है उससे काफ़ी डिफरेंट है. एंड या इफ़ यू डोंट लाइक स्वीट वी स्वीट्स वाली स्मेल, तो आप ये वाला इनका फॉर्च्यून वाला जो पर्पल पैकेजिंग में आया है वो परचेज कर सकते हो. सो दिस गुड फॉर्च्यून. इसके नोट्स भी मैं यहाँ पे मेंशन कर रही हूँ, आप लोग वो चेक कर सकते हो. एंड या आई लाइक इट. नेक्स्ट इज डॉल्ची एंड गबाना का लाइट ब्लू. बेसिकली इसकी स्टोरी ये है, अगर आप लोगों ने मेरी प्रीवियस वीडियोज़ नहीं देखी तो प्लीज़ देखा करें, और आपको पता चल जाएगा सारी स्टोरीज़ का, क्या क्या मेरी लाइफ में चल रहा है, क्या क्या चीज़ें हो रही हैं. सो इसकी स्टोरी ये है कि ये मैंने अपनी बहन के लिए परचेस किया था, और उसने भी मेरे लिए सेम परचेस किया था. एक्चुअली उसको काफ़ी टाइम से ये लाइट ब्लू चाहिए था. वो हमेशा मुझे बोलती थी कि मुझे लाइट ब्लू चाहिए डॉल्ची एंड गबाना का. तो मैंने बोला ओके, वाई नॉट. तो मैंने उसको क्रिसमस पे दिया था ये वाला परफ्यूम, एंड मेरे रूम में ही पड़ा है. आई एम नॉट श्योर कि अब मुझे एसी की स्मेल आ रही है कि विक्टर एंड राल्फ की आ रही है. इसकी है, दिस वन इज लिटल सिट्रसी, और ये बहुत अच्छा है समर्स के लिए. अगर आप लोग समर्स में कोई फ्रेश फ्रेगनेंस लगाना चाहते हो तो दिस वन इज़ रियली फॉर समर्स. तो ये मेरा है, इसके साथ मुझे लोशन और ट्रेवल साइज का मिला है. दिस वन इज़ ऑल्सो न्यू इन माई कलेक्शन. इसके नोट्स यहाँ पे मैं मैंशन कर दूंगी, आप लोग देख सकते हो. दिस वन इज़ गुड फॉर समर्स, रिकमेंडेड समर्स के लिए, अगर आप लोगों को फ्रेश फ्रेगनेंसेस पसंद है. और एक और रिकमेंड करूँगी समर्स के लिए, विच इज़ दिस मार्क जेकब का है डेजी ड्रीम. ये भी बहुत अच्छा है समर्स के लिए स्पेशली. वैसे तो समर्स में आप फ्लोरल स्वीट भी लगा सकते हो, टोटली आप लोग कोई भी लगा सकते हो, कोई भी लगा सकते हो. बट कुछ लोगों को सिर्फ फ्रेश फ्रेगनेंसेस पसंद होती हैं, तो ये जो है वो मैं रिकमेंड कर रही हूँ आप लोगों को. और मुझे गिफ्ट मिला था जो कि क्रिसमस पे ही मिला था मुझे, विच इज़ नीना रिकी का नीना रॉज. और पहला जो उनका ओरिजिनल है वो तो मैंने यूज़ किया हुआ है नीना रिकी का, बट ये वाला
मैंने फर्स्ट टाइम यूज किया है, ये भी बहुत अच्छा है जो, बट ये जो है ये थोड़ा स्वीटर साइड का है तो ये भी अच्छा है। खैर मैं थोड़ा सा दोबारा कर दूं, मुझे इसके नोट्स भूल गए हैं। इट्स थोड़ा सा सिमिलर है उसके जैसा जो इनका ओरिजिनल है, बट नॉट बैड दो, बहुत अच्छा है। इसकी बॉटल मुझे बहुत क्यूट लगती है एप्पल हमेशा से, और फाइनली ये भी मेरी कलेक्शन में आ गया है। आई डू हैव दिस इन दुबई, बट काफ़ी अर्से के बाद मुझे वापस मिला ये, एंड दिस वन इज़ रियली गुड। चलते हैं अपने नेक्स्ट परफ्यूम की तरफ। ओके, मेरी बहुत ट्विस्ट होती है जुबान। ओके, विच इज़ रेसिस्टेबल, जिवांची का, और ये भी नहीं खोला था तो मैंने कहा आप लोगों के साथ इसको भी ओपन कर देती हूँ और आप लोगों को इसके नोट्स भी बता देती हूँ। दिस वन इज़ नाइस, थोड़ा लाइट है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, और या दिस वन इज़ लाइटर स्वीट, बहुत ही लाइक डेलिकेट सी इसकी बॉटल है, बहुत ही स्वीट तो नहीं कहूँगी बट फ्लोरल है, स्वीट भी है बट बहुत लाइट नोट्स हैं इसके। यहाँ पे नोट्स इसके मेंशन कर दूंगी, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग स्मेल नहीं है ये, एंड दिस वन इज़ रियली नाइस। अगर आप लोगों ने ये ट्राई नहीं किया तो, अगर आप लोगों को लाइट फ्रेगनेंसेस पसंद है तो ये आप लोगों को बहुत पसंद आएगा। और लाइट की बात जैसे कि आ रही है तो मेरे एक जेहन में आई कि मैं आप लोगों के साथ एक और बात शेयर कर दूँ। लोगों को मिस डेओर बहुत पसंद होता है, मुझे भी पसंद है, इसलिए मैंने ये वाला परचेज किया था, बट ये वाला भी बहुत लाइट है। अगर आप लोगों को लाइट फ्रेगनेंसेस पसंद है तो लाइट में एक और भी मुझे याद आ गया कि नार्सिसो का जो ये पिंक वाला है ये भी बहुत लाइट और सॉफ्ट स्मेल है। तो कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग स्मेल्स नहीं पसंद होती हैं तो लाइट और सॉफ्ट पसंद होती हैं, तो उनके लिए मैं रिकमेंड करूँगी मिस डेओर का। बट मिस डेओर की जो प्रॉब्लम है वो ये है कि ये लॉन्ग लास्ट नहीं रहता है। अगर तो आप ओके हो रीटच करने के लिए, लाइक कुछ टाइम के बाद आप टचअप कर रहे हो, देन दिस वन इज रियली गुड। बहुत मज़े की लाइट सी स्मेल है इसकी। वन टाइम आपने लगाया और वो रहे सेकेंड वॉश तक भी, तो फिर ये मैं रिकमेंड नहीं करूँगी मिस डेओर। हाँ, और जो दूसरी बात बर्बरी है ना, वो भी बहुत लॉन्ग लास्टिंग है। बर्बरी के मैंने काफ़ी ज़्यादा यूज़ किए हुए हैं। अभी फ़िलहाल मेरे पास बर्बरी ब्लश है, बर्बरी लंदन, और विच वन इज़ दैट द पतला वाला बर्बरी, आई डोंट नो उसको क्या कहते हैं। सब मैंने उसके ट्राई किया है, मोस्टली सब लॉन्ग लास्टिंग है। अगर आप लोगों को लगता है ना कि भाई सेकेंड वॉश के बाद भी स्मेल आए आपके परफ्यूम की, तो ये वाला वो परफ्यूम है बर्बरी। तो दो बॉटल्स हैं वर्साची की, विच इज़ 500 ml, एंड दिस वन इज 90 ml। ये कितना है? नो, 200 ml, 200 ml और 90 ml। तो ये वाली दो मेरी ये जो है फेवरेट रही हैं बहुत टाइम से। मैंने जब परफ्यूम्स लगाने स्टार्ट किए थे तो उस टाइम पे, लाइक पाकिस्तान की बात नहीं कर रही हूँ, पाकिस्तान में तो मेरे जो फेवरेट होते थे वो ये थे, यहाँ पे लगाती हूँ, ये थे मेरे वो फेवरेट, और वो भी मैंने बहुत टाइम यूज़ किया है। फिर जब मैं थोड़ी प्रोफेशनल लाइफ में आ गई तो मैंने वर्साची का ये वाला लिया था, ये भी मुझे बहुत पसंद है। ओके, नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ शेयर करूँगी माय टॉप 10 परफ्यूम्स। तो गाइज, ये थी मेरी अपडेटेड परफ्यूम कलेक्शन जो कि मैंने न्यू ऐड किए हैं, और क्लोजअप में लाके मैं आपको बाकी के परफ्यूम दिखाती हूँ अपने। अगर आप लोगों ने मेरी प्रीवियस वीडियोज़ नहीं देखी तो वो भी ज़रूर देखना, उसमें डिटेल्ड वीडियो मैंने बनाई हुई हैं फुल नोट्स के साथ, फुल एक एक परफ्यूम आपको अपना दिखाया है कि मेरे पास क्या क्या है। और मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना कि आप लोगों को मेरी कलेक्शन में सबसे बेस्ट परफ्यूम कौन सा लगा और आप लोग कौन सा यूज़ करते हैं। और जल्दी मैं आप लोगों के साथ अपने टॉप 10 परफ्यूम भी शेयर करूंगी कि मेरे 10 फेवरेट परफ्यूम कौन से हैं। ये कहना बहुत मुश्किल है कि दिस वन इज़ माई मोस्ट फेवरेट, क्योंकि अभी मेरे पास काफ़ी ज़्यादा कलेक्शन हो गई है तो मेरे पास लाइक डिसाइड करने के लिए मुश्किल है कि मेरा एक कौन सा फेवरेट है। तो मैं ये नहीं कह सकती कि वन इज़ माई फेवरेट, दिस वन इज़ माई फेवरेट, बट मैं 10 सेलेक्ट करूँगी कि मेरे मोस्ट फेवरेट 10 परफ्यूम्स कौन से हैं, और मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी उनके रिव्यूज़। और चलिए मैं आपको क्लोजअप में दिखाती हूँ अपने बाकी तक की मेरी कलेक्शन, और कुछ जो हैं 5-6 परफ्यूम्स वो यहाँ पे पूरे नहीं आ रहे थे तो वो मैंने नहीं रखे हैं। जे अगर आप लोगों को फ्लोरल फ्रेगनेंसेस पसंद हैं तो आप देखोगे कि मेरे पास जो है मोस्टली फ्लोरल ही हैं, और ये थोड़ी हटके है कोको शनेल, बट दिस वन इज़ रियली गुड। अगर आप लोगों को किसी पार्टी वगैरह में यूज़ करनी है तो यू कैन वेयर दिस, डिफरेंट है, और YSL की भी डिफरेंट है, बहुत ही डिफरेंट है एक्चुअली, एंड बहुत ही अच्छी है। दिस वन इज़ रियली लाइक समरी स्मेल,
वेकेशन टाइप की स्मेल है। यहाँ पे मेरे पास ये सब परफ्यूम कलेक्शन है, मिनिएचर की कलेक्शन में आप लोगों को फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगी। सो गाइस, आज की वीडियो को मैं यहीं पे खत्म करती हूँ क्योंकि काफी लंबी वीडियो हो गई है। मैंने बहुत ज्यादा लंबी डिटेल्ड वीडियो नहीं बनाई है, मैंने कहा आप लोगों को क्विकली रिव्यूज दे दूं और क्विकली अपने न्यू कलेक्शन के बारे में भी बता दूं। तो आई होप आप लोगों को आज की वीडियो भी अच्छी लगी होगी। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।